व्यवस्था विवरण अध्याय 34 व्यवस्था विवरण अध्याय 34 मूसा की मृत्यु। फिर मूसा मोआब के अराबा से नबो पहाड़ पर जो पिसगा की एक चोटी और यरीहो के सामने है चढ़ गया, और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नाम का सारा देश और नप्ताली का सारा देश और एप्राइम और मनुष्य का देश और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश और दक्षिण देश और सोअर तक की यरीहो नाम खजूर वाले नगर की तराई, यह सब दिखाया। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने इब्राहिम इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है, मैंने इसको तुझे साक्षात दिखलाया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने न पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मोआब के देश में मर गया, और उसने उसे मोआब के देश में बेतपुर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहां है। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न उसका पौरुष घटा था, और इसराइली मोआब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए, और नून का पुत्र यहोशु बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे, और इसराइली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे, और मूसा के तुल्य इसराइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की, और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था, और उसने सारे इसराइलों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए।